हाय एवरीवन, आज मैं ये चिकन बिरयानी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चिकन को अच्छे से वॉश करके और उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है। और मैंने 3 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड किया है। और उसके बाद हमें बाकी मसाले के इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने हैं। और मैंने 3 टीस्पून छोटी टीस्पून सॉल्ट यूज़ किया है। और इसके साथ हमें ऐड करना है 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, जिसे हम गोल मिर्च पाउडर बोलते हैं, और स्पून लाल मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून जीरा पाउडर, और 3 टीस्पून धनिया पाउडर। और ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून ऑयल यूज़ किया है, और बिरयानी मसाला भी यूज़ किया है मैंने 1 टीस्पून, और हाफ कप फ्रेश कर्ड यूज़ किया है, और इसमें हाफ लेमन स्क्वीज़ कर दिया है। और इसे अच्छी तरह से हमें मैरिनेट कर देना है, अच्छी तरह मिक्स करके रेफ्रिजरेट करना है 1 से 2 घंटे। और ये मिनिमम है 1 to 2 आवर्स, और आप उससे ज़्यादा करेंगे तो चिकन जो है वो काफ़ी जूसी हो जाता है। उसके बाद मैंने 4 अनियन कट किया था। और उसके बाद ये चिकन प्रिपरेशन के लिए ऑयल में मैंने ये बादियान के फूल ऐड किए हैं, और 3 ग्रीन इलायची, और 1 बे लीफ, और 1 दालचीनी का टुकड़ा मैंने ऐड किया है, और कुछ ब्लैक पेपर, गोल मिर्च, साबुत गोल मिर्च यूज़ किया है। और उसके बाद जो चिकन मैरिनेटेड है वो हमें इसमें डाल देना है। और उसके बाद उसे चिकन को अच्छी तरह से हमें फ्राई करना है इसमें। और जो हमने अनियन जो कट किया था उसे भी अलग से आप फ्राई कर लें, या तो आप इसी ऑयल में फ्राई कर सकते हैं पहले चिकन डालने के पहले, या फिर अलग से आप अनियन को फ्राई कर लें। तो मैंने अलग से अनियन को फ्राई किया था। और अनियन जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद हमें उसे उसमें डाल देना है। और ये मैंने जो बिरयानी का राइस है उसको मैंने 1 to 2 आवर्स के लिए सोक करके रखा था, मिनिमम 1 आवर्स आप सोक करके रखें। तो ये मैंने एक्चुअली ब्राउन अनियंस ऐड किया है। तो ये कुछ था, और बाकी भी मैं साइड में उसको एक्चुअली फ्राई कर रही थी, और उसके बाद उसमें ऐड कर दिया है मैंने। और ये 2 बिग साइज टोमेटो है, वो भी मैंने इसमें ऐड किया है। और अनियंस ऐड करने के बाद और टोमेटो ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से कुक करना है। और इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, और लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। और 2 ग्रीन चिली स्लिट करके डाला है, और कोरिएंडर लीव्स जो होता है, धनिया लीव्स, और थोड़ा मिंट पुदीना लीव्स, वो सब मैंने इसमें ऐड किया है। और उसके बाद इसे अच्छे से आप कुक कर लें और चेक कर लें कि चिकन कुक हो गया है। तो इसमें मैं स्पून के हेल्प से मैं इसमें चेक कर रही हूँ कि चिकन हमारा पूरा कुक हो गया है कि नहीं। और इसे नीचे चिपकने से बचाने के लिए आप इसको रेगुलरली अच्छे से हिलाते रहें।
और ये चिकन मेरा ऑलमोस्ट पक गया था स्टेज तक। और अगर आपको पानी इसमें डालना है तो आप थोड़ा पानी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत डालिएगा। और ये एक्चुअली अपने ही जूसेस में ये चिकन पक जाता है जो हमने मैरिनेट किया था, कर्ड और कर्ड का जो वाटर रिलीज होगा उसमें ही ये चिकन पक जाता है। और साइड में मैंने एक ओपन वेसल में 1 सिनेमन स्टिक डाला है, 1 बे लीफ डाला है, और बादियान के एक फूल भी मैंने इसमें डाला था, और एक बड़ी इलायची जिसे हम ब्लैक कार्डमम बोलते हैं उसको डाला है, और हाफ टी स्पून शाही जीरा मैंने डाला है जिसे सफ़ेद जीरा बोलते हैं, और कुछ लौंग डाला है, 2-3 लौंग, और 4-5 ब्लैक पेपर डाला है, गोल मिर्च, और आप इसमें 1 टीस्पून ऑयल डालना है, और हाफ लेमन जूस इसमें आप स्क्वीज करके डाल दें। तो ऑयल और लेमन जूस से ये होता है कि हमारा जो चावल है वो जब बॉयल होगा तो वो बिल्कुल भी एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं और वो बिल्कुल अलग रहते हैं। सॉल्ट का जो मेजरमेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि आपको जब आप सॉल्ट डालें उस पानी में तो आपको वो पानी जो है वो काफ़ी नमकीन लगना चाहिए। मैंने ऑलमोस्ट 3 to 4 big tablespoon ऑफ सॉल्ट, जब पानी बॉईल होने लगे तो आप उसमें राइस डाल दें और उसे अच्छे से मिक्स कर दें, और बहुत ज़्यादा मिक्स ना करें। अगर आप बहुत ज़्यादा मिक्स करेंगे तो राइस जो है वो टूट सकता है। 10 मिनट्स में आराम से ये राइस कुक हो जाना चाहिए, फिर आप उसे स्ट्रेन कर लें। और ये मैंने दम के लिए उसी वेसल में थोड़ा ऑयल नीचे लगाया है, और उसके बाद जो चिकन कुक किया था उसको मैं इसमें एज अ लेयर मैं इसमें लगा दूंगी। और ऑयल नीचे डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम दम देंगे तो जो चिकन है वो नीचे स्टिक नहीं होगा। तो ये है रीज़न। आप ऑयल या तो घी, आप कुछ भी नीचे बेस में लगा सकते हैं। एंड अगेन इग्नोर द वेसल, क्योंकि कुछ रीज़न के वजह से मैंने ये वेसल यूज़ किया है। और उसके बाद इसमें जो हमारा राइस था वो आप देख सकते हैं कि जस्ट मैंने स्ट्रेन ही किया था और उसको मैंने यूज़ कर लिया है क्योंकि वो राइस गर्म ही है। और जैसे वो स्ट्रेन आप करें आप उसे इमिडिएटली ही डाल दें। और चिकन भी अगर आपका वॉर्म है तो वो ज़्यादा बेटर है, जो आप नीचे बेस में लगा रहे हैं। तो ये फर्स्ट लेयर ऑफ राइस हो गया, और उसके बाद मैंने इसमें कोरिएंडर पाउडर थोड़ा डालना है और थोड़ा मिंट लीव्स मैंने डाला है क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर पूरे राइस में आता है। तो आप कोरिएंडर और मिंट लीव ज़रूर डालें। और उसके बाद आप कुछ ग्रीन चिलीज को भी स्लिट करके इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 ग्रीन चिली स्लिट करके डाला है, और उसे आप उसके बाद मैंने इसमें हाफ लेमन स्क्वीज़ किया है, ऑलमोस्ट हाफ या 1 लेमन आपको राइस के हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो ऐसे लेमन यूज़ करने से राइस में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पे मैंने ये केवड़ा वाटर यूज़ किया है, आप रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं अगर है, और या तो मीठा अतर होता है बिरयानी के लिए स्पेसिफिकली, वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था मीठा अतर तो मैंने केवड़ा वाटर डाला है। और उसके बाद मैंने उसमें बिरयानी मसाला भी थोड़ा स्प्रिंकल किया था, ऑलमोस्ट हाफ टी स्पून। और उसके बाद जो लेफ्ट ओवर आपका राइस है वो आप डाल दें, और जो चिकन का कुक्ड चिकन का जो मसाला था वो आप उसमें थोड़ा डाल दें। और उसके बाद जो भी आपका राइस जो है लेफ्ट उसको आप लास्ट में इसके ऊपर डाल दें। तो ऐसे हम लेयरिंग कर सकते हैं, और ऐसे लेयरिंग करने से राइस आपका बहुत ही सही निकलता है। और जिन लोगों को ज़्यादा मसाला पसंद है वो आप नीचे से उन्हें सर्व कर सकते हैं, और जिन्हें प्लेन राइस पसंद है उन्हें आप ऊपर का राइस सर्व कर सकते हैं। और उसके बाद इसे आप लेवल कर दें, और जो फ्राइड अनियंस था वो कुछ बचा के रखना है, तो फ्राइड अनियंस यहाँ पे गार्निश करने के लिए है। और उसके बाद
2 टीस्पून मैंने देसी घी का यूज़ किया है, क्योंकि देसी घी से बहुत अच्छा फ्लेवर बिरयानी में इन्फ्यूज़ होता है। और उसके बाद मैंने इसमें कलर के लिए केसर, जिसे हम ज़ाफ़रान भी बोलते हैं, वो केसर को आप दूध में वार्म मिल्क में डाल के आधा घंटा के लिए रख सकते हैं। और अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप फूड कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली केसर बेटर होता है। और उसके बाद मैंने इसमें फिर से बिरयानी मसाला जो पाउडर होता है वो मैंने इसमें स्प्रिंकल किया है। और इसमें मैंने थोड़ा कुछ अमाउंट ऑफ रेड चिली पाउडर डाला था, अगर आपको ज़्यादा नहीं पसंद है तो आप नहीं डालें। और उसके बाद ये है मेरा जिसे हम अरेंजमेंट बोलते हैं दम के लिए, तो वो मैंने दम के लिए ऐसे अरेंज किया था। और दम का ये प्रोसीजर है कि आप दम के लिए 5 to 7 मिनट्स डायरेक्टली मीडियम हीट में वेसल को रखें, और उसके बाद आप तवा रख दें नीचे, और उसके ऊपर आप वो वेसल को रखें, और उसके बाद आप 5 to 10 to 15 मिनट्स आप उसको लो हीट में उसे पकने दें, अच्छे से दम में लो हीट में, और उसके बाद आप फ्लेम ऑफ कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, जब मैंने 15 मिनट्स के बाद जब वेसल को खोला है तो स्टीम बहुत अच्छे से उसमें बन गया था। तो इसका मतलब ये है कि दम उसमें बहुत ही अच्छे से हो गया था, और ये आप देख सकते हैं कि इसमें से स्टीम काफ़ी अच्छे से निकल रहा है। तो ये आपका इंडिकेशन है कि आपका जो भी फ्लेवर्स है वो बहुत अच्छे से इन्फ्यूज़ हो गया है आपकी बिरयानी में। तो इसे आप सैलड और कर्ड के जो रायता बनता है आप उसके साथ इसको सर्व कर सकते हैं। और दैट्स इट, आई होप आपका बिरयानी अच्छा बने। थैंक यू।